तो अच्छा लगा आप आए। हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। आपका गाना सुन के और भी अच्छा लगा। सो स्वीट। आप सिर्फ अच्छा गाते नहीं हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो आई रियली लव्ड इट, इट वाज रियली अमेजिंग। हाँ, मुझे खुद पहली बार ऐसा लगा मैंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है। हाँ, काफी बहुत पहले सब लोग तारीफ करते थे मेरे एक्ट की, मुझे नहीं लगता था कि मैं इतना अच्छा करता हूँ, बट इस बार इस गाने से मुझे लगा यार मैंने, क्योंकि एक्चुअल एक्ट किया है मैंने। हाँ, उसमें हमने कोई ग्लिसरीन नहीं यूज़ किया है। Really? वो रियल इमोशंस, रियल फील के साथ वो पूरा गाना शूट किया। आप देखेंगे तो इम्प्रेस्ड। अब मैं नेक्स्ट क्लासेस आपके पास लेने आ रही हूं। ओए होए होए, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आ जाओ दक्षिणा। तो इनसे भी मिल लेते हम लोग। दक्षिणा अपकमिंग सिंगर है, ये भाभी है जो म्यूजिक डायरेक्टर है गोल्डबाजी, उनकी वाइफ है, ये प्रिंसी एक्ट्रेस से आए, और अगर कुछ बोलना है हमारे बारे में तो बोल सकते हैं। मेरी तारीफ कर देना। तानिश के बारे में अगर एक चीज़ें बोलो तो शायद से वो कम पड़ जाएगा, बिकॉज ही इज़ मल्टी टैलेंटेड, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड अमेजिंग सोल, आई वुड से अ परफेक्ट मैन टू बी एग्जिस्टिंग एंड वेरी गुड वॉइस ही हैज़। वो बहुत अच्छे, मतलब उनका वॉइस जितना अच्छा है ना, दिल से गाते हैं। वॉइस नहीं आ रही अभी, मतलब वो जितने दिल से गाते हैं उतना ही दिल उनका साफ है, एंड ही इज वेरी नाइस पर्सन आई एवर मेट जो एंड है, एंड ये सभी को पता आई थिंक। एज यू सेड ही इज अ ग्रेट सिंगर एंड अ ग्रेट पर्सन, ही इज गुड फ्रॉम हार्ट, एंड आई थिंक दे लव, दे मेड अ लवली सॉन्ग, प्लीज लिसन। थैंक यू। आई मेक इट बिग। Very nice number, it's very heart touching. So congratulations to the whole team. Danish has sung also very well, he has acted also in the song, and it has a lot of feel. Matlab ek na wo whatever they're trying to emote, the feeling is there in the song, so it's very heart touching, jo seedha audience se connect hota hai, so it's that kind of song. So it's a really very nice song. Congratulations to the whole team and congratulations to Danish. मैं बोलना चाहूँगा कि आई यूज टू मीट हिम पार्टीज में, जैसे एमेथिस्ट क्लब था, एक क्लब है एमेथिस्ट अंधेरी में, सो दिस क्लब बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फ्रेंड, वहाँ पे हम लोग पार्टी करते थे, सेम आदित्य भाई भी वहीं पे पार्टी करते थे,
तो एक दूसरे को हाई हेलो करना एक ही इंडस्ट्री से तो मिलना जुलना वो तो चलते रहता था. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, ही इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, ही वॉज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन. जब भी मिलते थे अच्छे से ग्रीट करते थे, समझाते थे. प्लस उनका जो ब्रांड था, मेरे को ब्रांड का नाम याद नहीं, बट ही यूज़ टू ऑलवेज टेल मी अबाउट द ब्रांड कि आमिर मैं तुमको जैकेट्स भेजूंगा, तुम वो पहनना मेरे ब्रांड का, बहुत अच्छा लगेगा, तुमको सूट करेगा. सो मैं बस इधर ही बोलूँगा कि जिधर भी रहे भाई खुश रहे, और जो गलती उनसे हुई है वो लोग आप लोग रिपीट मत करना कोई भी. मैं बस इतना ही बोलूँगा कि आज के टाइम पे जो अपन देखते हैं सिचुएशंस कि लोग नशे में हैं, प्यार मोहब्बत में हैं, ये सब चीज़ों से ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को वैल्यू करो, अपने मॉम डैड की रिस्पेक्ट करो, ध्यान रखो, क्योंकि एंड टाइम पे सिर्फ आपकी फैमिली आएगी, कोई नहीं आएगा, मतलब की दुनिया है. सो ध्यान रखो. आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? एनीथिंग? कैसा लगा, आप जीना चाहेंगे, बात करना? यार मैं ऐसे डायरेक्टर कोरियोग्राफर बताता हूँ, वीडियो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सिनेमेटिकली शूट किया है. डानिश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मायशा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. एंड ये एक फेज होता है लाइफ में जब इंसान इंसान का ब्रेकअप होता है. बहुत सारी आवाज़ आ रही है बाहर से, बट दैट्स ओके. तो जब इंसान का ब्रेकअप होता है तो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं. एंड मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ब्रेकअप के बाद बदलते हैं उनको पॉजिटिवली बदलना चाहिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ अल्कोहल और ड्रग्स के पीछे, जैसा ये मुद्दा बहुत वार्मिंग चल रहा है अभी फिलहाल. एंड यह इट्स अ वेरी सैड न्यूज़, क्योंकि चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती है, चंद पलों में सारी ज़िंदगियाँ बदल जाती है. तो मैं चाहता हूँ जितने लोग भी सिर्फ वो टश के चक्कर में और मज़े के चक्कर में. अयान कुछ बोलेंगे? अयान देखो मेरी हाइट सेम हो गई है अभी, अभी शूज़ भी सेम आने लगे मुझे लगता है अयान का शूज़ बड़ा है मेरे शूज़ से. हो सकता है ना? हो सकता है. और क्या सर आप बताइए फिर? अयान है, फिर आपको जाना चाहेंगे मैम की हालत कैसी है अभी, हाउ इज शी राइट नाउ? हाँ हाँ, शी इज़ ऑल गुड नाउ, शी इज़ रिकवरिंग, और उनका जो सर्जरी हुआ था अभी इट्स ऑल गुड. थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न. एंड आल्सो वुड लाइक टू नो अबाउट एज इट इज द ईव फॉर द सॉन्ग लॉन्च, डूइंग वेरी वेल, ऑलरेडी क्रॉस्ड 1 मिलियन प्लस, ग्रेट आवर्स, क्या कुछ विशेस हैं आपके साइड से? अरे मेरी तो सारी विशेज हैं इनके लिए कि ये खूब राइज करें, है ना, कीप ग्रोइंग. मेरे लिए हमेशा ये रहेगा कि बच्चे हैं अभी, इनका ही टाइम है ग्रो करने के लिए. और इनके जब भी गाने आते हैं ये ऐसे ही आपके मिलियंस आते हैं इनके, और इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह. इंशाल्लाह आपका प्यार रहेगा, सपोर्ट रहेगा ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज. देखो मेरी ब्लेसिंग सब बच्चों के साथ है. अरे बिल्कुल बिल्कुल. मेरे स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट किया था वो तब भी आए थे लॉन्च पे, और आज थोड़ा थोड़ा आगे चल रहा है, बढ़ रहे हैं, तो अभी भी आए हैं. और मुझे पता है जब और कुछ होगा ये तभी भी रहेंगे इंशाल्लाह, और हमेशा रहेंगे ऑलवेज. सो स्वीट. दानिश एंड सर आप दोनों लोग से जाना चाहेंगे, आज एक बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे बीच में. आदित्य सिंह राज काफ़ी फेमस मूवी पर्सनैलिटी, बहुत हमारे बीच में नहीं रहता, ड्रग ओवरडोज का मामला है, क्या आपकी तरफ प्रतिक्रिया मिली रहेगी इससे? अरे ये तो हमको पता ही नहीं है. आई एम सो सॉरी कि हमें इस चीज़ का पता ही नहीं है. एक्चुअली हम सुबह से आज बहुत ही बिजी थे और कहीं मीटिंग में थे, और हम अभी घर लौटे हैं, और लौटने के बाद अभी आए. दानिश नोज दिस वेल डायरेक्टली वो, हाँ, तो हमें बिल्कुल नहीं पा रहा, और आई एम वेरी सॉरी अगर ऐसा कुछ भी हुआ है. और मैंने सुना है, और मैंने ये भी सुना है शायद वॉशरूम में उनकी डेड बॉडी मिली है. बहुत बुरा लगा ये देख के. आई मीन पता तो है नहीं एग्जैक्टली कि हुआ क्या है, ये मैं नहीं बोल सकता कि क्यों हुआ है, बट यार हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए कि वो जहाँ भी हो. आप टर्म्स के आदित्य के साथ अगर आप कुछ बताना चाहें तो हाउ विल यू? ऑनेस्टली स्पीकिंग हम कभी मिले नहीं है, बट शायद सोशल मीडिया पे या काम वर्क के थ्रू एक दूसरे को देखते ही हैं सब लोग, तो इतना तो. जैसे स्प्लिट्स विला वाले काफ़ी मेरे फ्रेंड्स लोग हैं, एक ग्रुप है, एक सर्कल है, तो कहीं ना कहीं सब कनेक्टेड है, तो वो फील होता है कि अपना ही कोई गया है, अपनी ही फैमिली से कोई गया है, तो बुरा लगता है ये. और इतनी यंग एज में आई थिंक किसी का जाना, तो बहुत उनकी फैमिली को ऊपर वाला बहुत पावर दे ये सब सहने के लिए. और मैं तो प्यार ही भेज सकता हूँ यहाँ से फिलहाल. आप लोग से यूथ काफ़ी टच में, आप काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं,
और ड्रग्स जैसा मामला काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है हमारी सोसाइटी पे, आपके साइड से क्या कुछ मैसेज रहेगा फॉर द यूथ? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज मैं आप लोगों के सब लोगों के प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, और मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि देखिए कभी भी बच्चों को कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, कोई बीइंग अ पेरेंट आज मेरे लिए अगर बच्चों से ज़्यादा मेरे लिए कुछ है नहीं, मेरे मतलब पूरी जीवन की कमाई जो है वो बच्चे हैं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी, मैं बच्चों से खास करके इस चीज़ के लिए बोलूँगा कि चाहे वो लड़के हों लड़कियाँ हों कोई भी हो, लेकिन आपको इस तरीके से कभी भी कोई स्टेप नहीं लेना है, क्योंकि आप लोग अपने माँ बाप की अपने पेरेंट्स की वो पूंजी हो, पूरी पूरी ज़िंदगी की वो पूंजी हो, जो कि कभी दोबारा मिल ही नहीं सकती है और कहीं पर भी नहीं मिल सकती है। तो आपको कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस करो, पेरेंट के साथ बातें करो, है ना, अपने बड़ों से बातें करो कोई भी, लेकिन आप ये इस तरीके का जो भी करते हैं ये ऐसा प्लीज़ बिल्कुल मत करो। और इन सब चीज़ों से ये आजकल जो बच्चे ले रहे हैं जो चल रही है, जैसे कि अभी बताया किस वजह से कुछ ओवरडोज हो गया ड्रग्स का, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बिल्कुल भी दूर रहें आप लोग, एकदम दूर। और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इसको टच भी करे, इसके बारे में बात करे या जिक्र करे, आप लोग उस जगह से बिल्कुल हट जाइए अगर कहीं कोई आपका जिक्र इस चीज़ का टॉपिक पे कोई बात भी हो रही हो, क्योंकि आप लोग मतलब उन माँ बाप का फ्यूचर हो, देश का फ्यूचर हो, ये यहाँ पे इतनी छोटी उम्र में ख़त्म करने से बहुत बड़ा लॉस है माँ बाप का, हम सब का, देश का, एवरीबॉडी, यू नो। तो इसलिए मैं इस मंच पर और आप सबके बीच में आज ये फिर बोल रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को इतना दुखी ना करे, क्योंकि माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख जीवन में तो हो ही नहीं सकता, प्लीज़ ऐसा मत करो। सोशल मीडिया स्टार है श्रेया गाजा, आ जाइए। ऋषभ आप भी आना चाहते हो दोबारा तो आ सकते हो। Thanks for coming, Shreya. Thank you for inviting us, and it was a very lovely song. Then it's okay, you can stand. It's his day, obviously, and I love this song. बहुत soothing song था, and मैं इस बंदे को काफी time से जानती हूँ, बहुत मेहनती है, and और भी मैं इसके songs दे चुकी हूँ, पता नहीं अभी तक मुझे इसने cast नहीं किया, तो आप लोग इसको बोल लो कि next music video में मुझे cast करो। अभी यहाँ पे producer मिलने वाला है कोई। Okay, thank you guys. And yeah, I'm having fun. जी गाना कैसा लगा आपको? गाना मुझे काफ़ी खूबसूरत गाना लगा, जैसे कि इन्होंने बोला ऑलरेडी कि इनकी पर्सनल लाइफ में है, एंड आई थिंक जब आपका वीडियो और मैम को बात करिए सर और मैम। हाँ ठीक है, अब प्रोड्यूस आप करेंगे ना पक्का? अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो दोनों आ गए। हाँ वीडियो से मेरे को मत जोड़ना प्लीज़ कोई भी। हाँ ऑडियो मैंने लिखा था और मेरी फीलिंग्स लिखी थी ऑब्वियसली, तो वहाँ रिलेट कर सकते हैं। हाँ तो मतलब इनकी पर्सनल लाइफ पे गाना है, एंड जब आपकी लाइफ में कुछ होता है आप उतना प्यार डाल देते हो गाने में, तो ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आता है, इसलिए आई वॉन्ट कि आप लोग सब इस पर कॉन्टेंट बनाएं, रील्स बनाएं एंड सपोर्ट करें, क्योंकि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ऐसी इंडस्ट्री बढ़ेगी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस गाय, वेरी डिजर्व। थैंक यू सो मच। एनीथिंग एल्स? नो, थैंक यू गाइस, थैंक यू। क्या